तो चलिए बात करते हैं, एक्सप्रेस वे पर हिंदुस्तान का शौर्य है। जी हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं हम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज जब सुखोई जैसे लड़ाकू विमान उतरे तो तस्वीर देखते ही बन रही थी। जैसे जैसे एक के बाद एक विमान आ रहे थे और एक्सप्रेस वे को छूकर दोबारा आसमान में उड़े रहे थे, तो हर एक तस्वीर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा कर रही थी। हर हिंदुस्तानी खासकर यूपी के लोगों का सीना फख्र से चौड़ा कर रही थी, क्योंकि ये सब हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। एक्सप्रेस वे पर सुखोई मिराज के टचडाउन से आसमान भारतीय वायुसेना के जंगी जहाजों के हैरतअंगेज करतब देखिए। तीन दशमलव दो किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर चार घंटे की रिहर्सल देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिराज और सुखोई जैसे फाइटर जेट के करतब को देखने की ललक हर किसी को होगी। लगभग 10 इनके फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे टच एंड गो किए, प्रॉपर लैंडिंग नहीं थी, प्रॉपर लैंडिंग केवल एक एयरक्राफ्ट की हुई है। आमतौर पर ऐसी प्रैक्टिस वायुसेना दिवस पर ही की जाती है। जानकारी के मुताबिक ये इमरजेंसी प्रैक्टिस का हिस्सा है जिसके तरह इनकी लैंडिंग की गई। ये एक थोड़ा टफ जॉब था क्योंकि हम लोगों को मुश्किल से एक हफ्ते का समय मिला था इसके सारे मीडियंस को हटाने का प्लस सफाई करने का। 17 तारीख तक हम लोगों ने इसके सारे मीडियंस हटा दिए और 22 तारीख को तक साफ कर दिया था। कल शाम को हमने इसको एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया। इस प्रैक्टिस को देखते हुए वायुसेना ने शनिवार को ही एक्सप्रेस वे के इस इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया था। एक अच्छा शो किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की थी कि क्राउड मैनेजमेंट हो, जो यहाँ पे इनकी जो सिक्योरिटी की संबंधित जो चीज़ें हैं कि कौन अलाउड है कौन नहीं अलाउड है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। बाकी सब जो प्रोग्राम था एग्जीक्यूशन प्लानिंग इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई है। आज एक्सप्रेस वे का 13 किलोमीटर का यातायात डाइवर्ट किया गया। कल ही एक्सप्रेस वे पर बने डिवाइडर को हटाया गया और एयर स्ट्रिप को मेंटेन कर दिया गया ताकि लड़ाकू विमानों को इस पर उतारने में किसी तरह की दिक्कत न हो। रिहर्सल के दौरान एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स एयर स्ट्रिप की क्वालिटी को भी परखा जा रहा है। आपको याद होगा इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। नवंबर 2021 में पीएम मोदी सुपर हरक्यूलिस C-130 से इसी स्ट्रिप पर उतरे थे। केंद्र सरकार लगातार ऐसे एक्सप्रेस वे विकसित कर रही है जिनके किसी न किसी हिस्से पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट जिमी। तो आपने देखा एक्सप्रेस वे पर हिंदुस्तान का शौर्य, टचडाउन की खास तैयारी थी। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से हम बताते हैं टचडाउन की खास तैयारी। एयरफोर्स के अधिकारियों ने एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया पहले तो आपको बता दें, और फिर यहां पर एयर स्ट्रिप का निरीक्षण करने के बाद एयरफोर्स ने सहारनपुर राज्य के ITI को स्थायी बेस बनाया अपना। सुल्तानपुर में आप दर्शकों को बता दें 12 किलोमीटर रूट को डाइवर्ट किया गया था। ये सुल्तानपुर का इलाका जहां से 12 किलोमीटर रूट डाइवर्ट कर दिया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे पर जगह जगह डिवाइडर लगाए गए थे।
माइलस्टोन 126 से लेकर 129 तक यूपीडा ने बैरिकेटिंग के मुताबिक यहां मार्ग 25 जून की रात को खुलेगा। अब ये 25 जून को खुलेगा, आपको बता दें कि रात को खोला जाएगा। अब भी यहां पर एयरफोर्स का ही यहां पर कब्जे में दे रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बहुत अच्छी बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यहां पर ये तमाम जो जंगी जहाज है वो नजर आए, जो वाकई में देखने के लिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। अब